मैं हूँ रेहान खान गुरबो तालेबू के। जैसे फेस्टिवल ए ग्रेड है गुरबो में, उसी तरह मिर्ची एफएम नंबर वन है गुरबो में। एलिन लटका में मिर्ची एफएम को लॉक कर दिया जाए, मिर्ची एफएम इट्स हॉट। हम नकासी से सायमान है, हमारा फेस्टिवल जैसे नंबर वन है वैसे मिर्ची एफएम नंबर वन है। माय नेम इज दिनेश, हम नेंडी में काम करता है स्लीपिंग जॉइंट जिपलाइन में, और मिर्ची एफएम इज हॉट, आई लाइक इट। मिर्ची एफएम इट्स हॉट। नमस्कार फिजी समाचार दर्शन के साथ रितिका प्रताप। ऐसा विश्वास किया जा रहा है कि फिजी फुटबॉल एसोसिएशन ने नेशनल कोच फ्रैंक फरीना के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। एफबीसी स्पोर्ट्स को आज मध्याह्न के समय ये जानकारी मिली और ऐसा समझा जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है जबकि फरीना अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं कर रहे थे। ये विश्वास किया जा रहा है कि ओलंपिक से लौटने के बाद फरीना ने अथॉरिटीज को रिपोर्ट नहीं की और रियो में हुए इवेंट्स पर भी कोई रिपोर्ट नहीं सबमिट की। फरीना ने नेशनल अंडर 20 टीम को 2015 में सबसे पहले वर्ल्ड कप में गाइड किया था। उन्हें पिछले वर्ष अक्टूबर में नेशनल कोच के पद पर हायर किया गया था। फीजीएफएई ने विषय पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। फिजी शुगर कॉरपोरेशन ने पुष्टि की है कि राकीराकी में पिनेंग चीनी मिल बचे पेराई के मौसम तक बंद रहेगा। इस तरह से वर्तमान में केवल 3 चीनी मिल्स ही संचालन कर रही हैं। आज सुबह तक एफएससी ने लगभग 735,000 टन गन्ने को पेर कर लगभग 77,000 टन रॉ शुगर को उत्पादित किया है। एफएससी के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल खान का कहना है कि इंडस्ट्री धीरे धीरे प्रगति कर रही है जबकि उस पर 2 मुख्य झूरे के मौसम का प्रभाव पड़ने के अलावा ट्रॉपिकल साइक्लोन विंस्टन भी असर पड़ा है। अगले वर्ष 1 अक्टूबर से फिजी को यूरोपियन यूनियन से हमारे चीनी पर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इन सब के बावजूद खान ने बताया कि वे इंडस्ट्री के फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है। इस वर्ष का पेराई नवंबर में समाप्त होगा। नांदी के बाहर मोमी बे स्थित फिजी मैरियट रिजोर्ट से अगले वर्ष व्यापार के लिए खुलने की आशा है। फिजी नेशनल प्रोविडेंट फंड के चेयर अजीत कोडोगोडा का कहना है कि इस 5-स्टार प्रॉपर्टी को रीडेवलप करने में $200 मिलियन खर्च किया जा रहा है। 2007 में न्यूजीलैंड फाइनेंशियर्स ब्रिजकॉप के बंद होने तथा मुख्य कॉन्ट्रैक्टर हर्बर्ट कंस्ट्रक्शन के दिवाला निकलने के बाद से रिजोर्ट पर काम ठप हो गया था। इसके बाद प्रॉपर्टी को FNPF ने जब्त कर लिया था और खुद 2014 में इस पर काम शुरू किया। 250 रूम रिजोर्ट के खुलने से लगभग 500 लोगों को नौकरी मिलेगी। और खेलकूद में फिजी नेटबॉल वह पहला नेशनल स्पोर्टिंग बॉडी है जिन्हें नए फाइनेंशियल ईयर के लिए फिजी नेशनल स्पोर्ट्स कमीशन से ग्रांट्स प्राप्त हो चुके हैं। नेशनल कोच विकी विल्सन इससे काफी खुश हुए हैं और उन्होंने ये वादा किया है कि वह अगले सप्ताह ऑकलैंड न्यूजीलैंड में ओशनिया वर्ल्ड यूथ क्वालिफायर्स में अच्छे परफॉर्मेंस देंगे। विल्सन को भले ही कोच का पद संभाले बहुत दिन नहीं हुए हैं, उनका कहना है कि वह प्लेयर्स में भारी विश्वास रखती है। $40,000 ग्रांट से टीम तथा ऑफिशियल्स दोनों को बूस्ट मिलेगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। याद रहे समाचारों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची एफएम को सुन सकते हैं। शुभरात्रि। रहता है रेडियो फिजी 2 हमारे अच्छा प्रोग्राम है। हमारे कोरबंगा के सभी लोग रेडियो फिजी ज्यादा सुनते हैं। रेडियो फिजी 2 देश के धड़कन हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम। प्रणाम फिजी, मैं नवनीता लकेना में रहती हूँ। पूरी दुनिया भर की खबर मैं रेडियो फिजी 2 से सुनती हूँ। मैं देवेंद्र विजय बनीबाऊ के रहने वाला हूँ। रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन मैं हर वक्त सुनता हूँ और मुझे बहुत आनंद मिलता है। रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन।